फ्रेंड्स पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे कि एक पावरफुल टीम हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो हमें तीन चीज़ों के बारे में समझना है। आज से जो हम फॉलो करेंगे विन 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 फिलॉसफी को फॉलो करेंगे, जहां पर हमारा कस्टमर का विन होना चाहिए, बिजनेस ओनर का विन होना चाहिए और साथ ही साथ टीम का भी विन होना चाहिए, राइट। और कस्टमर के विन के लिए हमें क्या करना है, मतलब कस्टमर जो हमको पे कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू उसको मिलना चाहिए। आपने जो पे किया है इस प्रोग्राम के लिए, क्या आपको उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, आप बताना, राइट। मैं चार टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ, चार अलग अलग कोर्सेज दे रहा हूँ, मनी मास्टरी दे रहा हूँ मैं आपको, टीम बिल्डिंग दे रहा हूँ मैं आपको, सेल्स एंड मार्केटिंग में बता रहा हूँ, उसमें सेल्स और मार्केटिंग मैंने दोनों पार्ट कवर किए हैं, राइट। बिजनेस डेवलपमेंट दिया मैंने, ऑटोमेशन पे कैसे लगेंगे, तो पांच टॉपिक अगर हम देखा जाए, चार कोर्स बना के मैंने आपको दिए हैं, राइट, जो आपने पे किया है। तो जो ले रहे हैं हमको उससे कहीं ज़्यादा कस्टमर को देना है। अगर हम उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं तो एटलीस्ट 20-30-40,000 की वैल्यू देना है। 1,000 रुपये ले रहे हैं तो कम 10,000 की वैल्यू दो, राइट। अब जब आप ज़्यादा वैल्यू दोगे तो कस्टमर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए रुके जुड़ेगा और वहाँ से आपको रेफरल बिजनेस भी मिलेगा, रिपीट बिजनेस भी मिलेगा, राइट। तो कस्टमर का आपने विन कर दिया। अब इससे क्या होगा, कस्टमर जब लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ेगा आपसे, पैसा देगा आपको बार बार और लोगों को रिकमेंड करेगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा, आपके बिजनेस ओनर के पास पैसा आएगा, तो बिजनेस ओनर का भी विन हो गया, राइट। टीम का विन कैसे होगा, यहाँ पर हम टीम को इंसेंटिव देंगे, टीम को करियर ग्रोथ दिखाएंगे, वहां पर हम अदर देन सैलरी उस पर इन्वेस्ट करेंगे, राइट, अवार्ड रिवॉर्ड कल्चर डेवलप करेंगे, तो यहाँ पर टीम का भी विन हो रहा है। तो ये हमारा तीनों का विन होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट हमको काम करना है, क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो हमें समझना है, हमें सही आदमी को लाना है, राइट, और गलत आदमी को तुरंत हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करना है, लंबे टाइम पालना नहीं उसको। तो मैनेजमेंट का रूल होता है हायर स्लो फायर फास्ट, रखने में आपको टाइम लगाना है, मतलब आपके पास एक पोजीशन के लिए ओपनिंग है, आपके पास एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपके पास बंदा आया, आप पूछो कितना पगार लेगा, बोला इतना लेगा, राइट, कम पैसे बोल रहा है वो, बोलते ठीक है कल से ज्वाइन कर ले, तो वो गलती नहीं करना है। क्योंकि गलत आदमी को आपने रख लिया एक बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने 2 से 3 महीने उसके बाद मेहनत की और 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपको पता चलता है यार ये बंदा काम का नहीं है, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आपने 6 महीने उसको पगार दी है प्लस 6 महीने उसको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग पार्ट आपने कवर किया, उसको सिखाया, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। उस चक्कर में आपका काम भी स्लो हुआ रहेगा तो आपका लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो सही आदमी को रखना है, गलत आदमी को नहीं रखना है, राइट, रखने में टाइम लगाना है और निकालने में टाइम नहीं लगाना है। तो हायर स्लो फायर फास्ट, अगर आदमी मुझे लग रहा है गलत है तो तुरंत डिसीजन लो और तुरंत फायर करो। मैंने मेरे क्लाइंट के साथ जब मैं काम करता हूँ देखता हूँ, मैं बोलता हूँ क्विक डिसीजन लो और वो स्पॉट पे डिसीजन लेके उसी टाइम पे फायर कर देते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब इतने टाइम देख रहे हैं गलत है तो तुरंत आपको निकालना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी को लग रहा है ये आदमी काम में गड़बड़ कर रहा है, ये आदमी काम में गड़बड़ कर रहा है, तो फिर क्यों मौके देना है, किस लिए मौके देना है, जब टीम ही सेटिस्फाइड नहीं है, काम में रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो किसके लिए महान बन रहे हो आपको, राइट। काम तो टीम करने वाली है और टीम आपको बता रही है भाई इसकी परफॉर्मेंस हम सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत झोलझाल कर रहा है, बहुत गपड़े कर लफड़े कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है, तो फिर निकालने में टाइम क्यों लगा रहे हो, तुरंत डिसीजन लो। तो हायर स्लो फायर फास्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। अब हायरिंग में आपको क्या करना है, आपकी कंपनी में एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, एक पोजीशन है, तो मिनिमम 3 लोगों का इंटरव्यू लेना है। जो पहला बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपको लगता है बंदा ठीक है, राइट, तो भी आपको घाई में उसको रखना नहीं है, आपको वेट करना है और 2 लोगों को और बुलाना है उस इंटरव्यू के लिए और उन 3 में से बेस्ट सिलेक्ट करना है, और 30 में से 1 लेते हो तो और भी बढ़िया बात है, राइट। तो हायरिंग में आपको टाइम लगाना है, एक जॉब के लिए कम से कम बेस्ट इन 3 सिलेक्ट करना है हमारे को। सेम इंटरव्यू के लिए, जब आप इंटरव्यू लेने के लिए जाओगे लेते हो तो आपका 3 राउंड इंटरव्यू होना चाहिए। पहली बार में आप उसको क्या करोगे, पहली बार में आप उसको रिक्रूट नहीं कर लोगे। आज आपने इंटरव्यू लिया, बात करोगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो पढ़ करके पोपट की तरह बोलेगा, आप बोलेगा बहुत बढ़िया बंदा रख लेते हैं, राइट, लेकिन वो प्रीपेयर होकर आया है। यहाँ पर आप उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पाओगे। फिर आप 2nd राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाओगे उसको नेक्स्ट डे या 3 दिन के बाद या अगले हफ्ते में, राइट। तो कुछ दिन के बाद आपने उसको 2nd राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाया, 2nd राउंड में आएगा वो थोड़ा और खुलेगा, अब आपके सामने कुछ अलग पर्सनैलिटी दिखाई देगी उसकी, और कुछ फिर अगले हफ्ते आप उसको बुलाओगे, किसी रेस्टोरेंट में बुलाओगे, कॉफी शॉप में बुलाओगे। ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और मैं जिन जिन को बताया वो लोग भी फॉलो करते हैं। तो से 3rd राउंड के लिए आप उसको बुलाते हो, क्या होटल में बुलाते हो, मैं आलोक होटल में, स्टेशन पे मेरा ऑफिस था थाना में, तो आलोक होटल में मेरा 3rd राउंड इंटरव्यू होता था, जहाँ पर कॉफ़ी के लिए हम लोग बैठते थे साथ में, और ये 3rd राउंड में वो लड़का या लड़की पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता था, पूरा खुल जाता था कि इसने कितने लफड़े कितने फांदेबाजी की है।
हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यू में, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है, मतलब यस नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछना है, वो क्वेश्चन पूछना है जहां पर वो सामने ज्यादा से ज्यादा बात करे, और जब वो ज्यादा बात करेगा आपको सुनना है, आपको ज्ञान नहीं देना है। जब वो ज्यादा बोलेगा तब आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी, यार ये बंदा हार्ड वर्किंग है या ये बंदा सिर्फ भागते रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आपको सारी चीजें पता चलेंगी। इंटरव्यू में उल्टे क्वेश्चन पूछो, जैसे मैं एक होटल इंडस्ट्री के लिए मैंने काम किया था, तो वहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट का काम करवाया था, तो एक मैनेजर को रिक्रूट कर रहे थे, तो उससे हमने बात की, पूछा उससे, अब आप क्या पूछोगे, होटल इंडस्ट्री में यार लोग नहीं मिलते हैं, लोग जल्दी जल्दी छोड़ के भागते हैं, तो वो क्या बोलेगा, हाँ सर लोग तो छोड़ के भागते हैं, यहाँ लोगों को रिटेन करने का प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ ये तो प्रॉब्लम आ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, हाँ सर कॉम्पिटिशन बढ़ गया, आप जो बोल रहे हो हाँ में हाँ मिला रहा है, तो हमेशा उल्टी बात पूछो उस इंडस्ट्री के बारे में, आपको पता चलेगा इसको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो आपने क्या बोलते हो, यार लोग तो आसानी से मिल जाते हैं, लोग तो अभी अपने को नई टीम रख रहे हैं, तो लोगों का तो प्रॉब्लम आता नहीं, लोग तो मिल जाएंगे आराम से ना, और लोग तो लंबे टाइम चलेंगे साथ में, तो बोले हाँ सर लोग तो मिल जाते हैं, लोगों को तो लंबे टाइम रख सकते हैं, लोगों का तो प्रॉब्लम है नहीं होटल इंडस्ट्री में, और अपने को पता है ये तो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम चल रहा है, आपने एक आदमी को 9,000 पे रखा है, बाजू वाला होटल 9,500 देता है, तो 500 में छोड़ के चले जाते हैं वो लोग, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो यहाँ पता चलता है यार ये तो झूठ बोल रहा है, राइट? तो उल्टे क्वेश्चन पूछो, वहाँ पर वो बताएगा, वो क्रॉस कर रहा है, सर क्या बात करो, लोग मिल जाते हैं, लोग नहीं मिलते हैं सर, सर हमारे मैं तो देख रहा हूँ कितना काम किया, मेरे को एक्सपीरियंस है, यही तो लोगों का प्रॉब्लम है, कम पढ़े लिखे होते हैं वो लोग, उनको रिटेन करना, उसके दिमाग के साथ में मैनेज करना वो डिफिकल्ट चीज़ है, पढ़े लिखों को तो मैनेज कर सकते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पता चलेगा यार ये सही वाकई में इसको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो उल्टे सवाल पूछना है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, जहाँ पर क्लाइंट जो अपने बंदा आया इंटरव्यू के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सके। क्वालिटीज़ हमें क्या क्या देखना है, हमें सॉन फॉर्मूले को देखना है, SWAN आपके सामने लिखा हुआ है, एस मतलब स्मार्ट होना चाहिए, बंदा जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, डब्ल्यू वर्किंग हार्ड होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और ए एम्बिशियस होना चाहिए, उसके गोल होना चाहिए। अब आपने उस इंटरव्यू लिया, आपका गोल क्या है, तो बोलेगा सर मेरे को वो बड़े आपके यहाँ से एक्सपीरियंस लेके फिर बड़े कॉर्पोरेट में जंप करना है, मुझे बड़ी कंपनी में ज्वाइन करना है, या सर मुझे भी आपके जैसा एक बिजनेसमैन बनना है, तो कल मैं आपसे बड़ा धंधा खोलूँगा। अब अपने को क्या लगता है, ये बंदा जो है ना बहुत बड़े बड़े सपने, ये तो अपने यहाँ टिकेगा नहीं, इसको रख के मतलब नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है क्या सपने, सर कोई सपने नहीं है, बस दो वक्त की रोटी मिल जाए अपने यहाँ चलेगा, कब तक करोगे, जिंदगी भर करूँगा आपकी गुलामी करूँगा, राइट? अब इसके खुद अब अपनी क्या गलती क्या करते हैं, जो एम्बिशियस बंदा था उसको रखते नहीं है, क्यों नहीं रखते हैं, यार ये तो लंबा चलेगा नहीं, ये बंदा गरज वाला है, ज़रूरतमंद है, इसको रख लेते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, क्योंकि जिसके खुद के सपने नहीं है वो तुम्हारे सपने क्या पूरे करेगा। और ये लिख के ले लो बात, कोई भी बंदा तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा वो यही सोच के आएगा, वो बोले या नहीं बोले वो यही सोच के आएगा, कुछ दिन काम करूँगा मैं और जब एक्सपीरियंस मिल जाएगा कहीं इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वहाँ स्विच हो जाऊँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हम उसको ऐसा कल्चर देंगे, हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, फिर वो हमारे रंग में रंग जाएगा और वो यहीं का हो जाएगा, राइट? लेकिन ये सोच के कोई नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, एम्बिशियस लोगों को लेना है जिनके सपने हैं, जिनके सपने हैं वही आपके साथ रुकेंगे। मुझे याद है मुबारक ने मेरे साथ 10 साल काम किया था, पूजा ने मेरे साथ 10 साल काम किया, दीपाली मेरे साथ 7 साल से है, बहुत लंबे लंबे लोग चले मेरे साथ में काम कर, जो भी लोग रिक्रूट किए मैंने, चाहे यहाँ पे किए हो, चाहे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए किए हो, चाहे टेक वगैरह में, तो हर जगह पे लोग बहुत लंबे चले जिन जिनको मैंने रिक्रूट किया है, राइट? तो अपने को क्या करना है, और जब भी वो लोग आए थे सब एम्बिशियस लोग थे और मेरे साथ में रह के वो काफ़ी ग्रो हुए हैं, क्लियर है? तो इन चीज़ों पे हमें काम करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है वॉलंटियर कल्चर। वॉलंटियर में आपको बहुत कम पैसे में आपको स्टूडेंट लोग मिल जाते हैं जॉब के लिए। जैसे वॉलंटियर आप देखोगे, एज ए वॉलंटियर लोग आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, एज ए वॉलंटियर लोग मोदी जी के साथ बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से लोग आपको भी मिलेंगे। लोगों ने लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बिना पैसे लिए अपने जेब से पैसा लगा के बना दी, तो लोग आपको क्यों नहीं मिल सकते, आपको भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप जाओ और एज ए स्टाइपेंड आप उनको बोलोगे, वो लोग आपके साथ काम करेंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने काम किया, थाना कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मेरे साथ काम किया है, जो 1,000 रुपये 600 रुपये से लेते थे महीने के और एज ए वॉलंटियर काम करते थे। एक साल वो आपके साथ काम करेंगे, अगले साल में नया बैच आ जाएगा। एक कंपनी थी, हमारे क्लाइंट थे सार स्टेट कंपनी, CCD ग्रुप की कंपनी, अमित चौधरी, उनकी कंपनी में लोग इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। IMCOS कॉलेज थाना में, मैं जीते नाम लेके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले, थाना में MCA कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के स्टूडेंट रिक्रूट किए थे, तकरीबन 17 स्टूडेंट थे और जो एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे। सुबह 10 बजे आते थे, शाम में 7:30 या 7:30 बजे जाते थे। कुछ लोगों को IT में बिठाया, कुछ लोग मार्केटिंग में थे, कुछ लोग एडमिन में थे, और उन लोगों ने पूरा सिस्टम IT कैंपेन वगैरह सब डेवलप किया, वेबसाइट उन्होंने डेवलप की,
और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो आईटी पे काम कर रहे थे, वो दो दिन घर पे नहीं गए, रात में रुके वहाँ पर, पहले दिन रुके, आज की रात रुके, कल का पूरा दिन रुके और उस वेबसाइट को पूरा अप किया, कंप्लीट करके गए। ये यंग जनरेशन जो होती है ना, ये रिजल्ट के लिए काम कर रही है, इनको पैसे, मतलब जो आदमी सैलरी पे काम कर रहा है, जिसको तुम 60 और 65 हज़ार रुपये दे रहे हो, वो पैसे के पे फोकस है, वो हर बार आके खड़ा होगा, सर पगार बढ़ाओ। लेकिन ये जो यंग क्राउड है, ये किस लिए काम कर रहा है? ये लर्निंग के लिए काम कर रहा है, क्योंकि अभी पढ़ाई चल रही है, लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, सीखने के लिए काम कर रहे हैं। और जिसका फोकस सीखने पर रहेगा ना, वो जो रिजल्ट देगा, जो आदमी पैसे पे, वो रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा। और ये इनका पर्पस क्या होता है, जब ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कैंपस में, जब इंटरव्यू होगा, रिक्रूटमेंट आएगा, तो इनका सिलेक्शन होगा। और वैसे ही हुआ और उनका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे या जो अमित के साथ काम कर रहे थे, उन सबको कैंपस से बड़ा बड़ा अच्छा सिलेक्शन हुआ उनके साथ में। और फिर हमारे पास आते हैं वो लोग, मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, आपके पैर छुएंगे, बोले कि सर थैंक यू वेरी मच, आप मेरे पहले गुरु थे, पहले बॉस थे, आपसे मैंने बहुत सीखा, और आपके यहाँ काम करने के चक्कर में आज मेरे को विप्रो में 25,000 की जॉब लगी है, कैप जर्मनी में 30,000 की जॉब लगी है मेरी। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनको रिटेन करने की, क्योंकि उन लोगों ने एक साल तक आपको बिना पैसे के कमा के दिया है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है उनको रख के रिटेन करना, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी लोग 65,000, 30,000, 65,000, 50,000, 75,000 में लोग काम कर रहे थे। इस क्रीम कोड आपने रॉ से आपने इसको एक बढ़िया सा तराश से एक डायमंड बना दिया, तैयार कर दिया है, समझ में आ रहा है? तो एज ए वॉलंटियर आप अपने लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है टीम एस्पिरेशन गोल, तो ये हम बात करेंगे टीम एस्पिरेशन पे। और टीम एस्पिरेशन में आपको क्या करना है, आपके साथ जो लोग हैं उनसे आपको पूछना है कि आपके गोल क्या हैं। जो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, मैं एवरी ईयर इस प्रोसेस को फॉलो करता हूं और बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, तो आप उनसे पूछते हो आपकी लाइफ के गोल क्या हैं, तो वो बताएंगे मेरे लाइफ के गोल हैं ये हैं ये हैं, लिखेंगे, राइट डाउन उनको लिखने बोलो, वो जो भी गोल बता रहे हैं उनको लिखने बोलो, फिर उनको प्रायोरिटाइज करने बोलो, इसमें से प्रायोरिटाइज करो कौन सी चीज़ तुम्हें सबसे पहले अचीव करना है, कौन सी बाद में करना है, वो उन्होंने कर दिया, प्रायोरिटाइज कर दिया, राइट। उसके बाद आप उनको क्या बोलते हो, अभी तुम्हारी सैलरी आपने रखा है, उनके अभी सैलरी आपकी है 10,000 रुपये या 30,000 रुपये या 15,000 रुपये रखी है, 6,000 रुपये रखी है, जो भी सैलरी रखी है, जैसे मैंने दीपाली की 6,000 रुपये सैलरी रखी थी, एयरटेल में जॉब करती थी, एयरटेल से वो मेरे इधर आई और 8,000 से की सैलरी से सीधा 6,000 रुपये मेरे इधर काम किया, और मैंने उसे पूछा अगले साल कितना सैलरी चाहिए, ये 7 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ मैं, तो उसने बोला कि अगले साल मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। मतलब 10,000 के लिए क्या करोगी, बोले मुझे नहीं पता, ठीक है लिख दो, आई डोंट नो, राइट। अगला पूछा मैंने उसको, इस 10,000 के लिए तुमको मेरे अगले साल चाहिए, सफल से मुझसे चाहिए, उस 10,000 के लिए तुम कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट करोगी, बोली आई डोंट नो, ओके राइट इट डाउन, आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है, बोली उसने लिख दिया। फिर मैंने उसको बताया कि 10,000 अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इवेंट मैनेजमेंट पे आना पड़ेगा, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग सिटीज़ में, उस टाइम पे हम गुजरात में काम कर रहे थे और पूजा मोरे ये काम संभाल रही थी और पूजा ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, तो मैंने उसको बताया कि पूजा भी हैंडल कर रही है और पूजा का मुझे वैसे भी बैकअप देखना था क्योंकि पूजा की शादी होने वाली थी, तो ये काम अगर तुम अपने अंडर में ले लेती हो, सीख लेती हो अभी, तो मैं तुम्हारे को अगले साल दे दूंगा टेलीकॉलिंग के साथ साथ, बोले ठीक है। तो इसमें आता है पीआरई मॉडल आता है, पी में मतलब पीपल्स आएंगे, कौन लोग सिखाएंगे तुम्हारी, तो तुम्हारी मेंटर पूजा है, पूजा से तुम्हें ये काम सीखना है, ठीक है। रिसोर्स हो सकते हैं, रिसोर्स यहाँ पे कोई किताब या सीडी ऑडियो प्रोग्राम हो सकता है या कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, तो दीपाली ने बोला ठीक है। अब वो जो काम उसको एक साल के बाद करना था, वो दीपाली ने उसको शुरू कर दिया और 1.5 महीने के अंदर दीपाली ने उस काम को अपने अंडर में ले लिया। और हमारे साथ हुज़ैफ़ा करके, जब भी हमारे इवेंट होंगे आपको हुज़ैफ़ा दिखाई देगा, आपको जो हमारा पूरा साउंड सिस्टम पूरा हैंडल करते हैं, दीपाली ने उसको खोज के निकाला था और बहुत अच्छे प्राइस में उसको ढूंढा, काफ़ी हमारा कॉस्ट उसमें रिड्यूस हुआ हमारा उस बंदे के साथ में, और ऑल ओवर इंडिया में वो हमारे साथ ट्रैवल करता है, दीपाली उसको ढूंढ के लेकर आई। तो जो इवेंट मैनेजमेंट का जो काम था, होटल बुकिंग करना, स्टेशनरी, सारी चीज़ें जो थी, वो सारा काम दीपाली ने मेरे उसी साल में अपने अंडर में ले लिया जब मैं उसको 6,000 रुपये दे रहा था। एक साल के बाद क्या मेरे को दीपाली की सैलरी बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, जो उसने 10,000 बोला था, डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए, और मैंने सैलरी उसकी 10,000 कर दी। और फिर अगले साल पूछा अब नेक्स्ट ईयर तुमको कितना पैसा चाहिए, बोलती जब मेरे को डबल चाहिए, क्या करोगे मुझे नहीं पता, क्या कंट्रीब्यूट करोगे मुझे नहीं पता, वापस से वो सवाल पूछे। फिर मैंने उसको बताया कि 10 का 20 चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें सेल्स में आना पड़ेगा, तुम टेलीकॉलिंग और इवेंट मैनेजमेंट देख रहे हो, जो पैसा लेकिन है वो सेल्स में है, पीआरई मॉडल पे काम करना पड़ेगा, पीआरई मतलब पीपल्स में कौन, दीपा हमारी सेल्स देखती है, तो तुम्हें दीपा के साथ में रहना और दीपा के साथ में रहकर सिस्टम को समझना पड़ेगा, सेल सीखना पड़ेगा, और ये तुमने 2-3 महीने में सीख लिया ना, एक साल के बाद तुम इस पर पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गई, तो तुम्हारा सैलरी ये लेवल पर आ जाएगा, बोले ठीक है। तो दीपा के साथ उसने घूमना शुरू किया और 3 महीने का उसने इंडिपेंडेंटली पहला डील क्रैक करके दिया मेरे को सेल्स में,
और वहां से उसने सेल्स को हाथ में ले लिया। दीपा को मैं सेल्स के साथ सैलरी के साथ इंसेंटिव भी दे रहा था। एक साल के बाद दीपाली जब वहां पहुंची तो क्या मुझे उसकी सैलरी 20 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, और मैंने की उसके साथ में। फिर मैंने उससे पूछा अगले साल कितना चाहिए, तो मुझे बोलती है नहीं अब मुझे 5 लाख रुपए चाहिए अदर देन सैलरी। तब मैंने उसको इंसेंटिव मोड पे लेकर आया। आज वो मेरे साथ एज ए पार्टनर काम कर रही है, एज ए पार्टनर बिजनेस पार्टनर मेरे साथ काम कर रही है। तो आपको क्या करना है, लोअर रिसोर्स को हायर लो लेवल से हायर लेवल पे लेके जाना है अपनी रिसोर्स को, राइट। एक कॉलेज बच्चे को लाना है और सीईओ लेवल तक लेके जाना है, ये प्रोसेस से आपको काम करना है। यहाँ पर लोगों का ग्रोथ होगा, जब टीम ग्रो होगा तो वो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा आपको। आपकी टीम बढ़ रही है आप तो ऑटोमेटिक बढ़ जाओगे, राइट। तो हमें किस पे काम करना है, इस पे काम करना है, टीम एस्पिरेशन पे गोल पे काम करना है। कैसे क्रिएट करना है ये सिस्टम मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चीज आती है हमारी रोल क्लैरिटी। अब लोग जिनको हम रिक्रूट करते हैं उनको पता ही नहीं होता उनको काम क्या करना है। तो रोल क्या है, टेली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है या आचार वाला रोल है, तो रोल को आप रोल लिखो कौन सा रोल है, फिर उसको रोल को डिफाइन करो उसका काम क्या है। तो उसका काम है कोल्ड कॉलिंग या आउटबाउंड या अनबाउंड जो भी है उसका उतना कॉल करना है, उसका रोल का डेफिनेशन लिखा आपने। फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो डेटा सोर्सिंग करना है या सारी चीज़ें आपने लिख दी, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिफाइन करो। उसके बाद आपका टास्क एंड एक्टिविटीज आएगी, टास्क लिखो उसका टाइम टास्क क्या है। फिर मेजरमेंट मैट्रिक्स आएगा जहां पर आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, राइट। इतने कॉल किए, इतने रिंगिंग है, इतने नॉट इंटरेस्टेड है, इतने कंफर्म अपॉइंटमेंट्स है, तो उसके टास्क को आपको एंड एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेजरमेंट मैट्रिक्स आएगा जहां पर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। तो रोल क्लैरिटी नहीं होती है लोग इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते, तो रोल क्लैरिटी डिफाइन करो। नेक्स्ट चीज आती है कॉम्पिटेंसीज लुकिंग फॉर, क्या क्या हम उसके अंदर देख रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उसको आना चाहिए। तो स्किल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिस आदमी की मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उसके पास कौन कौन सी स्किल्स रहना चाहिए। तो उसे अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, मराठी बोलना आना चाहिए, हिंदी बोलना आना चाहिए, जो भी मैं स्किल्स देख रहा हूँ, राइट। रेपो बिल्ड करना आना चाहिए, टेलीफोन के टेलीकॉलिंग के एटिकेट्स उसको पता होना चाहिए। तो ये स्किल्स मैं देख रहा हूँ उसके अंदर, मैं इंटरव्यू टाइम पर चेक करूँगा ये चीज़ें है कि नहीं है। फिर नॉलेज उसके पास कौन कौन सी होना चाहिए, उसे एमएस ऑफिस यूज़ करना आना चाहिए, इंटरनेट यूज़ करना आना चाहिए, डेटा कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए उसको, राइट। जस्ट डायल वगैरह से डेटा कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ों से पता होना चाहिए, ये नॉलेज उसको होना चाहिए इस जॉब के लिए, इस रोल के लिए। उसकी इमेज कैसी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्स एक्सपर्ट होना चाहिए वो। ट्रेड्स किस तरह के, मतलब कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टॉकेटिव होना चाहिए, हाई एनर्जी होना चाहिए, राइट। मोटिव किस तरह का होना चाहिए, हंगर फॉर ग्रोथ, भूख होना चाहिए, अगर भूख नहीं है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैं देख रहा हूँ उस बंदे के अंदर। उसके बाद मुझे डिफाइंड स्टैंडर्ड देना पड़ेगा, अगर मैं 10,000 सैलरी दे रहा हूँ तो मेरे को ये बिजनेस चाहिए तुम्हारे साथ, ये 1 लाख रुपए चाहिए मेरे को तुमसे, ये डिफाइंड स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। आप सैलरी देते हो, लोग देखता हूँ मैं सैलरी तो अच्छी अच्छी दे रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हम रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 3 महीने बाद बोलते हैं अब कल से मत आना, राइट। तो हमने अब गलती उनकी नहीं, गलती हमारी, हमने उनको बताया नहीं हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डिफाइंड स्टैंडर्ड हमको रखना पड़ेगा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर इतने से तुम्हारा इंसेंटिव शुरू होगा, ये परसेंटेज रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो इस तरह से आप क्रिएट करोगे। आई होप ये सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी और इसको इम्प्लीमेंट करोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।